नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मैं इस वक्त लखनऊ के बिजनौर के एक महिला वृद्धाश्रम में मौजूद हूं। समाज में माँ बाप को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। बहुत किताबें लिखी गईं, बहुत कविताएं लिखी गईं, विद्वान आए, माँ बाप को बहुत महान बताया। लेकिन आज के दौर की एक और सच्चाई है कि जो वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं नए नए, और वहाँ पर बुजुर्गों की तादाद बढ़ती जा रही है। हम ये नहीं कहते कि उसका रीज़न सिर्फ उनके बच्चे ही हो सकते हैं, रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन जो आजकल वृद्धाश्रम भरते जा रहे हैं उसी की तलाश पड़ताल में मैं फिर से आ गई हूँ, एक महिला वृद्धाश्रम में। कैसी हैं आंटी, कैसी हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं, कहाँ से आए हो? हम ही के हैं, लखनऊ के। लखनऊ के हैं, अच्छा बात करना है आपसे। हाँ आइए, बैठ जाइए, लीजिए ये लीजिए, बैठ जाइए। बैठ जाए। कब से हैं आप यहाँ? हाँ हो गया 4 महीने। 4 महीने से? हाँ। अच्छा, तबीयत वगैरह ठीक रहती है? हाँ ठीक है। ठीक है, पैर बहुत प्रात। हाँ पैर दुखता है। पैर। अच्छा। पैर तो आप उम्र दराज है ना, तो अब ये तो लगा ही रहेगा, कभी सर कभी पैर, थक जाती होंगी, है ना? हाँ। तो घर से कैसे आ गई, यहाँ तक कैसे आ गई? कैसे आ गए? देवर लोग छोड़ गए। देवर लोग? हाँ। बच्चे वगैरह हैं? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे आते, तो एक लड़का खत्म हो गया पर साल, तो उससे ही हमारी तबीयत खराब हो गई। सोचत रहे तो कुछ दिमाग में गर्मी चले आई, तो इससे जो है इसे हमें पटक गए देवर। और दो बच्चे जो उनकी शादी वगैरह हुई है? हाँ एक एक लड़की की हुई है। अच्छा। अब लड़का की नहीं भई है। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का गाड़ी चलाता है। और लड़की की शादी कहाँ हुई है? इंदौर। इंदौर में? हाँ इंदौर में है। अच्छा, और जो है अभी अब देखो हम छुट्टी कब मिला था हमें। उसका घर है आपका? हाँ घर है। तो यहाँ चली आई आप? क्यों चली आई घर पे? अरे बता रहे देवर लोग ने छोड़ दो लायके। क्यों? कि पागल हो गई हमारी भाभी। अरे लेकिन आप तो अच्छे से बात कर रही हैं। पागल हो गई तो आपको पागल खाने में छोड़ना चाहिए था, यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ दिया? देख ले वो खुद पागल है, हम पागल थोड़ा है, कोई पागल है? नहीं आंटी पागल का, आप तो मैं अच्छे से बात कर रही हूँ। वही तो हम कह रहे हैं, हम पागल ही नहीं है। अब तो ठीक है ही है। तो कभी आते हैं हाल चाल लेने? हाँ परसों आए थे। क्यों छोड़ के गए हैं वो आपको यहाँ पर? अरे ठीक हो जाए, मैं बीपी हाई हो जाता है, मैं बहुत जाता। अच्छा। हाँ तो बीपी की वजह से जो है इन छोड़ गए कि ठीक हो जाए तब फिर ले जाए। आपको यही समझ में आ रहा है कि आपका बीपी लो हो जाता है, इस वजह से आपके देवर यहाँ छोड़ के गए? हाँ, लो नहीं, नहीं हो जाता है, हाई हो जाता है। बेटी तो वगैरह ने खबर नहीं ली? आ? बेटी आई आती अब है। अच्छा, एक महीना रह गई फिर चली गई बेटी। अब बेटी के पास चाहिए फिर। अच्छा, तो बेटी के पास आप जाएंगी? हाँ जाएंगे, बेटी आई है ले नहीं है। और बेटा आता है मिलने? हाँ बेटा तो आता नहीं है, बेटा गाड़ी चला रहा है। बेटा नहीं आता है, गाड़ी चलाता है? अच्छा, कोई देखभाल करने के लिए नहीं था क्या आंटी जो आपको यहाँ छोड़ दिया? अब जानती तो बिटिया परिवार बनाए के, कोई जब आपकी शादी होएगी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा परिवार कैसा चलाया जाता, कैसे रह जाता। सबसे बड़े हम हैं। अब भैया ना मानो तो आफत है, मानो तो आफत है। तो ले पागल हो गई तुम। अब तुम पागल हो गई, चलो हम पागल खाने। तो ये पागल खाना थोड़ा है, ये तो एक आश्रम है। आश्रम है ये। हैं? अब क्या करें बताओ। आप बोलती नहीं है कि हमें यहाँ से ले चले? हम तो गए थे यहाँ से ले चले, लेकिन छोड़ते ही नहीं है वो लोग। कहते कि अब बनी रहो। वो लोग देवर लोग आपके? हाँ कहते हैं यहीं रहो, घर पे मत आओ, घर ना आओ। देवर लाते हैं। हाँ
ऐसे मारे। अरे बाप रे, क्या करें बताओ, आप बताओ क्या करें। दीदी लोग हैं उनकी बात में आ जाती हैं तो बेचती नहीं है। मन तो करता होगा घर पे जाने का। जी बहुत मन करा थे लड़का के देखने को मन करा थे। अरे? लड़का एक अपाहिज है ना, वो का नाम जो है एक्सीडेंट हो गया तो एक ठेला से तो कमर में चोट आ गई थी। वो सरिया लदी थी तो जो एक्सीडेंट वो गाड़ी गाड़ी जो लड़का ठीक है वो नहीं आता मिलने नहीं आता आया वह काम कर रहा तो नहीं आता मिलने। नमस्ते आंटी, कैसी हैं? ठीक है, ठीक है जी। बहुत हाँपाती है, फूल लती है, सीढ़ियाँ चढ़ के आई है ना, ये दुख दुखा चलो करते। अच्छा, हाँ है तुम्हारे। अब बीपी आई है बहुत। अच्छा, हाँ एक हमारे और हमारे भी माइंड ना ही सही रहा बीपी के मारे। और गर्मी भी इस टाइम ज्यादा बिटिया ने ना पो रहा है तो कान लिया और बढ़ गई है तुम्हारे खावा। अब तो रोज बिटिया एक टिकिया खात, रोज बीपी की खात डेली। दवा पानी अच्छे से हो रहा है तो दिखाऊं जाए तुम्हें बीपी की दवा? नहीं आंटी, अब बात करें हमसे। अच्छा। तो कैसे, कहाँ से हैं आंटी आप? हम जी कानपुर की। कानपुर से हैं? अच्छा, तो कैसे कितने समय से रह रही हैं आप यहाँ? हम अब 2-3 महीना हो गए। 3 महीना? कौन लेकर आया था आपको? हमारा एक लड़के को बुला के लाए थे। एक लड़की को बुला कर? लड़का गाड़ी ले के आओ तो। अच्छा, तो घर में कौन कौन है? हमारा सब कोई है। सब कोई है, सब खाए। अच्छा, आए बैठ जाए तो बात करें। नहीं बस यही, अब वहाँ चेयर पे बैठ जाए। आइए आज बेटा ही वही लगता। हाँ बैठ जाए, बताएं। हाँ, घर में कौन कौन है? सब हैं, सब लड़का बहू। हाँ, सब आए नापी। हाँ, आदमी। हाँ, फिर आप कैसे यहाँ? अरे जमती है बिटिया, घर को बवाल बहुत खराब होती है। लेकिन आंटी इस उम्र में आपको ओके आदत ही बहुत खराब है। पुलिस में आपके आदमी रिटायर हुए गए? रिटायर। घर में सब लोग हैं, परिवार, घर में बहू बेटे सब हैं? सब। तो यहाँ कौन लाया आपको? लड़का एक मोहल्ला हम बुलाए के लाए थे। अच्छा, तो वो आपको यहाँ छोड़ गए? छोड़े गए, हम बताओ ये तो छोड़ ही गए। कोई घर से आया नहीं लेने आप? अबे नहीं आए कोई। क्यों आप नाराज हो के क्यों चली आई? घर पे रहती, घर परिवार में? वो तो बिटिया घर कह रही है ये अब इतनी औरतें डा रही हैं यहाँ तो काहे कोई तकलीफ पीछे से डाली। ये खड़ी ना, ये कानपुर की है, ये महीना भर लो बहु आए ना, उनकी लड़का बहू नाती है वो सब। सबसे घर में क्या समझ में आता, किससे दिक्कत हो रही थी? कुछ नहीं, बस मन की है, हमारी मन है तो हमारा चले जाए, कुछ नहीं दिक्कत। जाने का मन करता है घर की? नहीं, अब जाने के तो करते हैं लेकिन अबे नहीं जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे? अबे नहीं जाएंगे, जाने के तो मन करा। यहाँ पे जी नहीं घबराता आपका? घर परिवार सब कुछ है और यहाँ पर आप रह रही हैं, कितना महीना हो गया आपको यहाँ रहते? कहाँ? यहीं आश्रम। अरे बता रहे कि 2-3 महीना हुए वो। 2-3 महीना? हाँ, 2-3 महीना। और कोई लेने नहीं आया अभी तक? कह चुके अबे नहीं, कोई मालूम नहीं है कि कहाँ आए। अच्छा जी आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं? कहाँ लखनऊ से? ये निशादी। अच्छा, कैसे यहाँ आना हुआ आश्रम? काफी बीमार पड़ गए थे, मेरे हस्बैंड ने इलाज किया था। और आप अच्छे से बैठ जाए। बैठे ठीक है। फिर इलाज किया, पैसा नहीं था तो मकान मालिक ने ताला मार दिया। हाँ, आप रेंट पे थी? अभी इलाज चल रहा।
और आपके आदमी कहाँ है? दुकान में प्राइवेट काम करते। रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, अब तो सही है, ये समाज है, ये लोग हैं, सही है, क्या करेंगे, सबके साथ ऐसा होता है। इतना यही लोग हैं जो अच्छे के लिए अच्छा करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बुरे के साथ और बुरा कर देते हैं, है ना। तो रोने की बात नहीं है, हम आपको रुलाने नहीं आए हैं, हम आपका हाल जानने के लिए आए हैं। जो हमें लोग बुजुर्ग देख रहे हैं वो समझें, और अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो यहाँ तक आए पहुँचे हैं, यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, तो इसलिए मैं आई हूँ। रोने की ज़रूरत नहीं है आपको, हम भी आपके बच्चे की तरह हैं, है ना। बताएं अब, दुनिया गए, अकेले पड़े हैं, कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड यहाँ छोड़ गए, आते हैं मिलने। अच्छा, आते हैं, छुट्टी रहती है तो आते हैं मिलने। आप रेंट पे रहती थी? हाँ, तो रेंट नहीं दे पा रही थी, किराया नहीं दे पा रहा था, और तबीयत खराब थी। हाँ, उसी में चढ़ गया था पैसे। अच्छा, क्या बताया, क्या खुद का घर नहीं है जी? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, और बच्चे वगैरह? बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है, बहुत दिक्कत है तब तो। तो अंकल आते हैं मिलने के लिए? तो अंकल कहाँ रहते हैं? वो उसने हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो आप दूसरे वाले ब्रांच में रहना चाहिए था, आप दोनों लोग साथ में रह सकते थे। नहीं, वहीं से वो अंकल जा, किराया भी तो अदा करना है, पैसे यहाँ कोई ना मिल जाएंगे, रह तो सकते हैं। मैडम ने कहा था कि रह जाओ, किराया देना है, सामान उठाना है। तो ये प्रॉब्लम थी आपकी? हाँ, ठीक है, ऑपरेशन कराया देने आपको। रोए नहीं आप, बाकी कोई दिक्कत नहीं, दवाई यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं, नहीं। यहाँ अच्छा है? हाँ, अच्छा है, खाना वाना सब मिलता है, चाय नाश्ता मिलता है। काम वगैरह अपना खुद करना पड़ता है? घर में करना पड़ता है, यहाँ तो नहीं करना। यहाँ यहीं की बात कर रहे हैं? यहाँ नहीं, खुद करते हैं। अच्छा, खुद यहाँ पे काम नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे कर्मचारी है काम करने? हाँ, यहाँ सब देते हैं। अच्छा, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, खाते हैं, नाश्ता वास्ता सब मिलता है, शाम का खाना मिलता है, बच्चों का चाय मिलेगी, सुबह मिलती है चाय नाश्ता। अच्छा, और जो ये आपको दिक्कत है सर में, माइग्रेन की प्रॉब्लम? हाँ, माइग्रेन। इसका इलाज कैसे हो रहा है? वहाँ पे कर रहे थे तो पैसे नहीं थे, घट गए थे, तो सरकारी अस्पताल में इलाज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अभी आराम है आपको? हाँ, आराम है, दवाई भी चल रही है। अच्छा, हाँ। चलिए, कोई नहीं, आप ठीक हो जाएंगी जल्द, दवा अच्छे से करें आप, ठीक है। आप भी चाय पी लें, चाय का समय हो गया है। नहीं, आप पी लीजिए। नहीं, हम पी लेंगे, हम तो आपसे बात कर लेंगे, हमें बस उतना ही बहुत है, खुशी मिलती है। और आंटी कैसी हैं आप? चाय आ गई आपकी? चाय आ गई। मेरी तमन्ना थी मैं जीवन पर्यंत सबकी सेवा करती रही, जो कुछ धन धान था, कुछ लोगों ने ठग लूट लिया, कुछ लोगों ने कैसा कैसे बर्ताव किए, हर जगह औरत की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, ये मुझसे सहन नहीं होता। क्या हुआ जी, मतलब कोई बात हुई है? नहीं, हर जगह पर औरत के साथ बदतमीजी की जाती है, हर जगह, हर औरतों से, हर औरत हर जगह सुरक्षित। मैंने अपनी बड़ी बहनों की, दोनों की सेवा की, अब वहाँ से जब बड़ी बहन हमारी गुजर गई, तब वहाँ से मुझे बेइज्जती करके निकाल दिया गया, गंगा जी के तट पर छोड़ा गया। कुछ शब्द कौन निकाला आंटी आपको? अब अपने ही निकालते, और मेरे पति को हमारे 2000 में ख़त्म हुए थे, कितने दिन में से मैं सेवा ही करती थी, सब परिवार में सबकी, जिसकी मिल जाए उसकी, मतलब घर परिवार में सबकी सेवा करती थी, देखभाल करती थी। और मेरी यहाँ कैसे पहुँची आश्रम? यहाँ तो मेरी अक्टूबर में कुछ तबीयत खराब हुई, बहन की लड़की की यहाँ थी, और वहाँ से मैं आई मंदिर पूजा करने के लिए पीरपुर गांव में, वहाँ शिव जी की पूजा की, कुछ मेरे स्वास्थ्य सही हुआ, तब मैं वहाँ से निकली, फिर लखीमपुर आई भाई के पास, तो भाई से कहा मैं किसी के अधीन नहीं रहना चाहती हूँ, मैं वो जगह ढूंढती हूँ जहाँ पर सुरक्षित हूँ। 19 से मेरी यही प्रार्थना थी, 20 से कोई ऐसा आश्रम या कोई ऐसी जगह मिले जहाँ नारी की सुरक्षा हो,
मैंने तब मेरी भतीजी भतीज दामाद ने दोनों ने आकर यहाँ देखा और उनको अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे दिखाया ये आश्रम कि यहाँ नारी सुरक्षित है। आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नारी असुरक्षित है? जब मैं घर से निकाली गई, मेरी बेइज्जती की गई, तो बेइज्जती यानी नंदोई के साथ जाओ ऐसी ऐसी गालियां मुझे दी गई, तो मुझे अकेले बैठा दिया गया ट्रेन में। वहाँ से मैं आई अकेले और वहाँ से लोग थे, उन लोगों ने मुझे उतारा, इज्जत की। मेरी सर्विस वाले लोग थे, 10-20 आलमबाग में तन पर एक ही साड़ी रहती है, दूसरा नहाने के लिए होना चाहिए बस, और तो क्या करती, क्या चाहती है औरत। पर यहाँ नारी की सुरक्षा इस आश्रम में है और जिन्होंने बनवाया उसको मैं खुशी होकर, मेरी आत्मा संतुष्ट होकर दुआ देती। मैं, मुझे अब ये घोषित किया गया है, मैं क्रोधित बहुत हूँ, इसलिए मुझे निकाला गया। आपको गुस्सा आता है? बुजुर्गों को तो अक्सर जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो थोड़ा सा गुस्सा आता ही है, क्योंकि उनको हर चीजें यहाँ से वहाँ रखी हैं, तो वैसे ही होनी चाहिए। बच्चों को डांटना, थोड़ा सा बच्चों को समझाना, वो आज की जनरेशन को पसंद नहीं आता है। आज के जनरेशन में बुजुर्ग जो हैं तो घर में भोजन बनाए, बहुओं की सेवा करें, बेटों की सेवा करें, यही आजकल का कार्य है। अगर किसी की जान जा रही है तो जाने दो बला से, उसको पानी मत दो, तुमने पानी क्यों दे दिया, ये चीज़ है। यहाँ पर रिकारा आंटी बैठी हैं, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बैठ जाएं। आप बिल्कुल बैठिए, तो नहीं बैठोगी? आवाज़ बहुत बुलंद है आप। मेरी आवाज़ ऐसी बुलंद रहती है। अच्छा, नाश्ता पानी हो गया? हाँ, चाय पानी नाश्ता सब हो गया। अच्छा, और कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से जी? अच्छा, कानपुर। आना जाना तो आपका लगा रहता होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ना कि कानपुर में सर, वो क्या कहते हैं, दामोदर नगर में आश्रम था। अच्छा, जैसे ये सरोजिनी का है, ऐसे पुराना आश्रम है दामोदर नगर में, वहाँ मैं आई। अच्छा, वहाँ इसलिए आई थी कि मकान मालिक ने हमारे साथ हमको बहुत परेशान किया है। दामोदर नगर मंदिर के पीछे मैं रहती थी किराए में, हमको बहुत परेशान किया, मेरा जो है बत्ती काट देते थे गर्मियों में, और रात में अंधेरे में रहते थे। तो बगल में एक थे, मतलब भाई लड़के लगते बूढ़े थे, वो बोले माता जी आपको इस तरीके से परेशान करता है, और चलो तुमको हम आश्रम में छोड़ा मैं चल के, तो वहाँ तुम्हारी जो है बहुत अच्छी तरीके से सेवा होगी, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। मेरी तबीयत खराब जी, मैं अकेले थी, बच्चे हमारे बाहर सर्विस करते हैं। कहाँ पे? मतलब देखिए, एक तो दिल्ली में है और एक कहीं लखनऊ में है। अच्छा, वो गाड़ी चलाता है, बाहर भी चला जाता है। अच्छा, तो हमको अकेला वाके वो बहुत परेशान करते थे, मोहल्ले वालों को देख, मतलब नहीं आंख से देख सकते थे। बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे हैं। और दोनों शादी हो गई? नहीं जी, शादी नहीं, नहीं जी नहीं। और आपके पति? पति तो बहुत दिन हो गए। अच्छा, एक्सपायर हो गए? हाँ, पति अगर होते तो हमको आश्रम आना ही नहीं पड़ता, या मेरे भाई होते तो मैं आश्रम नहीं आती, समझे। अब जब मैं अकेली हो गई तो भौजाई तो खुद ही भतीजों के सहारे हो गई। अच्छा, तो फिर मैके जाना तो अच्छा नहीं दिखता बेटा, इसलिए फिर जो है मैं, एक लोग बोले सुरेश हैं, तो वो बोले कल चलो माता जी तुम्हारी इतनी दशा ये किए है और मेरे से देखे नहीं होता, मैं 4 दिन की भूखी हुई। अरे बाप रे, 4 दिन जी, मैं 4 दिन की भूखी हुई। अब मेरे आंसू आते नहीं, वैसे आंसू ना आते, 4 दिन की भूखी हुई, मेरे को चाय तक ना पीने दिया। बल्कि सुरेश कह रहे थे कि माता जी मैं पैसा दे रहा हूँ और गैस भरवा दिया, डलवा दिया 1 किलो और उसमें बना लो, तो ये हमको चाय नहीं बनाने देता था, मेरे कमरे में ताला बंद कर देता था। भरी जी, भरी गृहस्थी में बेटा छोड़ के आई हूँ, बस इसी बातों में रो आता है। अगर मेरे बेटे अगर पास में होते तो वो मरना जीना नहीं देख सकते थे, चाहे उनको भले कोई मारता। बेटों से बताया नहीं आंटी कि आप 4 दिन तक खाना नहीं खा पाए? बेटा ऐसा होता है ना, जब बच्चे बाहर होते हैं इस तरीके से अगर हम फोन करेंगे तो बेचारे भड़बड़ा जाएंगे, और भड़बड़ा मतलब घबराने में, घर अगर रास्ते में कोई अगर घटना हो गई तो फिर मैं क्या करती, पति भी हमारे नहीं है, दूसरी बात औलाद का दर्द बहुत खराब होता है, देख रहे हैं आप। इतना कुछ सहने के बाद एक माँ अभी भी ये सोच रही है कि अगर मैंने अपनी तकलीफ बता दी तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसको कहते हैं माँ। इस तरीके से मैं अपने बच्चों को बताया नहीं, ये हमको निकाल देता था और कहता था जाओ बर्रा भाई पास में पैसे लेके आओ, और 4 दिन 15 दिन रह गए हैं महीना होने में, और पैसे दो,
और अगर हम तुमको तुम्हारे तुमको हम ताला खोल देंगे तो तुम घर में लेटी रहोगी और नहीं जाओगी, भरी दोपहर ही में हमको निकाल देता था। किस वजह से आंटी वो इतना परेशान कर, ये इस वजह से परेशान करता था कि उसको अगर आज तुमने 4 तारीख को पैसे दिए हैं और 4 तारीख ना अच्छा 8 तारीख को फिर मांगता था, 1 महीने का एडवांस अपने पास रखता था। हाँ, इस वजह से उससे मोहल्ले वाले जैसे कहें कि इस तरीके से क्यों परेशान करते हो, दुकान थी हमें नहीं पसंद है सामान लेना, मैं दूसरी दुकान से लेंगी, उधार तो लेते नहीं है जी। तो ये कहता था नहीं मेरी ही दुकान से लो, अगर मान लो महीने खान में लड़के बच्चे हमारे आए तो ये परेशान, मतलब तो बच्चे आते थे तो आपके पास ही रहते थे जी, और कहाँ रहेंगे, मेरे पास रहते थे, मकान मेरे है नहीं, मैं किराए में रहती थी। तो इस वजह से तो किराया कौन देता था मकान का, बच्चे कमा के देते थे, 2000 रुपए किराया था। अभी आप यहाँ पर हैं, आपके बच्चे को पता है? हाँ, अच्छा मालूम है, आते भी हैं मिलने के लिए। मैं अपनी इस स्थिति से मैं आई दामोदर नगर। अच्छा। और जब दामोदर नगर आश्रम में आए तो बात भी करते थे, देख भी जाते थे, अभी उनको लखनऊ का नहीं मालूम है, अभी बच्चों को लखनऊ में अभी मैंने फोन नहीं कर पाया उनको। अच्छा। भाई अब यहाँ हम सुरक्षित हैं, मतलब सुरक्षित का मतलब वहाँ से आज ये 6ठा महीना चल रहा है। अच्छा। ये आश्रम बात नहीं किया बच्चों से है, बात नहीं हो पाई है, लेकिन जब बच्चे सुखी होते हैं तो माँ को सुखी समझ में आता है। 6 महीने हो गए आपको यहाँ? हाँ हाँ। और बच्चों से बात नहीं हो पाई अभी? नहीं, फोन से बात हो जाती। कब, कितना समय हो गया बात नहीं हुई? ये वही 2 महीने से बात नहीं हो पाई है। अच्छा। हाँ, तो मैं यहाँ बहुत खुशी हूँ, और खुशी हम पहले भी थे, दामोदर नगर में भी खुशी थे। आश्रम के लोग तो आपकी अच्छे से, अरे आश्रम के लोग तो इतने, हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, हमारी बेटियां नहीं कर पाएंगे जितना ये आश्रम में मतलब सुविधाएं दादियों को मिलती है, मेरे को सब सुविधाएं मिलती हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर भी आते हैं, ये बिजनौर के डॉक्टर सिन्हा भी आते हैं, वो सारी मतलब देखभाल सारी जाँचें सब, और अगर इतने समय मुझे कोई तकलीफ है तो बच्चे मेरे इतना नहीं करेंगे जितना मेरी बेटियाँ ये करती बेटी हैं। नहीं, यही सब बेटी हैं, ये सब बेटियाँ हैं, लेकिन इतना अपने बच्चे पैदा हुए नहीं करेंगे जितना ये बच्चे करते हैं। आश्रम की सुविधाएं ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा बेहतर है, वहाँ भी सही। आंटी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आपको लेकर मत बात करिए ऐसे कि आज का दौर ऐसा क्यों होता जा रहा है कि हमारे बुजुर्ग ऐसे आश्रम में जा रहे हैं, ऐसे परेशान हैं, मतलब क्या रीजन है? देखो ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बेटा, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आदमी नहीं है, अब आदमी होता और बाबा आपके होते तो मैं क्यों आती, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जैसे मतलब परेशान, अब जैसे ये गुड़िया है परेशान है, यहाँ कर गए, हर बुद्ध को आते हैं, वो भी इलाज कराते और यहाँ से भी जाँचें होती हैं, तो अपने व्यवस्था को जैसे इनके पास भी मकान नहीं है, किराए में है, ये होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है मतलब है अपना, अब इनके तरीके से है, जैसे शीतला के तरीके से है, परिवार वाले परेशान किए हैं तो वो बेचारी परेशान होकर बुढ़ापा में घर की सेवा नहीं किए होती है, और उनको खुद की सेवा करनी चाहिए, नहीं कर पाते हैं तो अपना अपना यहाँ पूजा भजन करती हैं, अपना बनी है, ऐसा होता है और क्या होता है। और आजकल तो शरीर ऐसा है कि बच्चों के तरीके से सेवा मांगता है, मेरे बच्चे अगर ना होते, मैं एक फोन अगर कर देती ना तो हमारे बच्चे जो है मकान मालिक की पता नहीं क्या कर डालते, लेकिन हम बच्चों को जुझाना नहीं चाहते, बात ये है। अपने सुख के लिए अगर बेटे को लड़ाई में कुदा दो तो वो बहुत गलत माँ है। देखो ये बुढ़ापा की स्थितियाँ, सब हड्डियाँ हो जाती हैं कमजोर, तो वो उनको सेवा चाहिए खुद की, कि वो उल्टी सेवा मतलब बहन की करें या बहन की बेटी की करें, ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन आंटी कोई मजबूरी भी हो सकती है ना? नहीं तो देखो मजबूरी ऐसी नहीं होती है कि मतलब इनकी बेटी सर्विस कर रही है, भतीजी कर रही है सर्विस, बहन की बेटी, और आपसे ना झाड़ू पोछा बर्तन करवाऊं मैं, पानी भरवाऊं मैं, ये कोई मजबूरी नहीं होती, ये होती अपनी आराम की वजह से। आप सर्विस कर रही हैं, आपका टिफिन लगा के दें, आपके बच्चों को संभालें, तो ये तो बहुत लड़कियों की या बहुओं की किसी बेटी की बदतमीजी है। मैं तो खुला खरी भाई, देखो चाहे मेरे हों चाहे जिसके हों, ये तो बदतमीजी है। लड़कपन में आप नहीं कर पाएंगी, लड़कपन में आप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपके करे नहीं होता है। अब बुढ़ापा में हम 60-65 साल के मैं कर लूंगी, मेरे बच्चे इतने बदतमीज नहीं है। हम बताएं, अगर हमारी जरा से मेरे कहीं भी दर्द हुआ तो हाथों में उठा करके डॉक्टर अस्पताल ले जाती है, पैर दाबेंगे, मेरे बच्चे इतने बदतमीज नहीं है। लेकिन अब अपनी सेवा, कितनी उम्र है बच्चों की आपके? मेरे 1 है 25 साल का, 1 है 30 साल का।
हमारे बच्चे दोनों बहुत सक्षम है, मैंने भी किसी की सेवा की होगी, लेकिन अब ऐसा होता है जो जो लिखा होता है ना भाग्य में, तो वो आना पड़ता है यहाँ, आए भगवान की सेवा। देखो जो दो तीन तीन मंदिर हैं सामने, वो मंदिर बना है, इसमें पूजा भजन में इस तौर से हम और आश्रम में हैं, पूजा भजन करेंगे यही साथ जाता है बुढ़ापा, और कुछ भी नहीं जाता, ये मीठी वाणी बोलेंगे वही मीठा मीठा है, अगर कड़ू वाणी बोलेंगे तो यही बेटी भी बाहर जाके कही बुढ़िया तो बड़ी भाई जड़ेलू है, घर से बात भी नहीं करती है, इस वजह से अब बुढ़ापा में क्या है, भगवान का भजन करो, अच्छी अच्छी वाणी बोलो, बच्चों को आशीर्वाद दो, बस यही है और क्या है। आजकल की जनरेशन, सही बात है, जब घर में बुजुर्ग होते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे बच्चों की सेवा करें, हम जॉब करें और उनकी देखभाल करें, घर में पोछा लगाएं, और उसके बावजूद भी बुजुर्गों को अपमानित किया जाता है, और कई सारे केस ऐसे आते हैं, कई बुजुर्ग ऐसे आते हैं जो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, कभी ऐसा होता है वो आश्रम अगर जानकारी है तो चले जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो घर से बाहर पता नहीं कहाँ लापता हो जाते हैं, और उन्हें कोई परिवार का खोजने या कुछ भी करने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कभी कभार अगर FIR कर दिया तो कर दिया, नहीं तो बल्ला टली करके भूल जाते हैं करके। तो ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने घर में अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनका उनका मान सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, ये हमारा धरोहर है। ये आंटी ने, आपने सुना होगा, इन्होंने कुछ नहीं कहा, बहुत बच्चों की तारीफ की, लेकिन आप हम समझ गए और आप भी समझ गए कि इन्होंने कहा कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ कह दिया, जिसको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आंटी ने भी बहुत ज़्यादा नहीं हमारे साथ डिटेल में बात किया है, लेकिन हमारा समाज जो करने वाला है हमारे बुजुर्गों को, इस तरह से रोड पर, दूसरे की जगहों पर, अनजान जगहों पर, अनजान लोगों के बीच में ऐसे साथ में रहकर, ना कोई यहाँ अपना बेटा है, ना बहू है, ना बच्चे हैं, ना पोती है, ना पोता है, जिसका ये लोग सपना देखते हुए पूरी उम्र गुजार देते हैं, और जब इस पड़ाव में होते हैं, जब इस पड़ाव तक पहुंचते हैं, जब बुजुर्ग हमारे, तो हम उन्हें अपमानित करके घर से बाहर कर देते हैं, जिसके दम पर हम उस घर में होते हैं। आप सोचिए कि ये हमारे हमारे अंदर का ज़मीर किस तरह से मरता जा रहा है, कि हम अपने अंदर के जो जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें उस लायक बनाया, हम उसको इस तरह से रोड पर छोड़े हुए हैं, एक तरह से कह सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छी सुविधा लेना, बहुत अच्छे से रह लेना ज़िंदगी नहीं होती है, कभी कभी अपनों का प्यार, अपनों की यादें, और अपनों का जो एक तमन्ना होता है कि जवानी से उन्होंने बचपन से सपना देखते आए हैं कि एक बुढ़ापे में हमें एक बेटा मिलेगा, बहू मिलेगी, एक बेटी मिलेगी, पोती पोता मिलेंगे, हमारा एक बहुत अच्छा शानदार घर परिवार सब कुछ होगा और हम उस बीच में खुशहाल रहेंगे। लेकिन किस्मत की बात है, और ये दुर्भाग्य है हमारी जनरेशन की, आने वाली पीढ़ियों की, जो पढ़ लिख कर भी पढ़े लिखे जाहिल बन जाते हैं और इस तरह हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हैं। मैं इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी, बस आप इतना ही समझें कि ये माँ है, इनकी ममता इतनी महान है, तभी इतनी कविताएँ, इतनी कहानियाँ, इतनी ज़्यादा इन लोग के बारे में जितना ही बोलें, कहते हैं ना कि समंदर का पानी है ये लोग, इनका हम बखान ही नहीं कर सकते, इनकी ममता का हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप समझें, आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो आप इस बात को समझें कि ये हमारे बुजुर्ग हमसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सामाजिक बुराइयों को देखते हैं, बच्चों के, बहू के, या फिर अपने परिवार का की इज्जत को लेकर चलते हैं, ये लोग कभी मुंह नहीं खोलते। लेकिन हम समझदार हैं, हम समझते हैं, हम ही करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में, हमारा ही हाथ होता है, हम बिल्कुल समझते हैं, कहते ये कुछ नहीं है, लेकिन बाकी जो बातें इनकी होती हैं उससे हम पूरा पूरा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी आंटी, हमारी जो माँ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, हमारी दादियाँ हैं, वो क्या कहना चाहती हैं, उनकी आँखों में आँसू इस तरह कैसे झलक आते हैं। कहने के लिए वो बीमार है, लेकिन बीमार होने से वो अपने आप से कितना भी इलाज कर लें, वो अपने तरीके से, लेकिन उनको भी ख्वाहिश होती है कि उनका कोई अपना होता और आके पूछता कि आप कैसी हैं, उनका कोई अपना होता, उनका हाथ पकड़ता और बोलता कि चले मैं आपको दवा के लिए हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, कोई उनका अपना होता जो बोलता कि आपकी तबीयत खराब है, आइए मैं आपको एक निवाला खाना खिला देता हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसको नहीं संभाल पा रहे हैं, और जैसी जैसी पीढ़ियाँ, जो जनरेशन नई नई आ रही है, हम अपने बुजुर्गों का अपमान करते जा रहे हैं ना, भी हम भी तैयार हैं ऐसे आश्रम में आने के लिए।
हम सपना देखना बंद कर दें कि हम जब बुजुर्ग होंगे तो हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा करेंगे। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके घर में बुजुर्ग हैं लेकिन सम्मान नहीं है उनका। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि आज आपकी बीवी हैं, आपका युवा हैं आप, आपकी बीवी हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे, आप सपनों में, आप अपनी दुनिया में मग्न हैं, मस्त हैं, बुजुर्गों को किनारे कर दिया है, लेकिन आप ये मत भूलें कि जिन बच्चों के साथ आज 24 घंटा रहते हैं, पूरा दिन गुजार देते हैं अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा संस्कार, अच्छी परवरिश देने के लिए, वो कभी काम नहीं आ सकती जब तक आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों, अपने माँ बाप की सेवा करना नहीं सिखाएंगे, उनके संस्कार अपने अपने बच्चों के, अपने बेटी अपने बेटों में नहीं डालेंगे। आप कितना भी आप अपने बच्चों को शिक्षित कर लें, वो कभी आपके काम नहीं आने वाला है।